दोस्तों, आप लोगों ने सोनी मैक्स पर बार बार दिखाई जाने वाली सूर्यवंशम मूवी तो जरूर देखी होगी, जो साल 1999 में रिलीज की गई थी। रिलीज के वक्त बेशक ये फ्लॉप हुई, लेकिन आज ये सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में नजर आए एक एक कलाकार से आप वाकिफ होंगे। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पिता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। उससे उसके पिता परेशान होकर नौकरों की तरह से व्यवहार करने लगते हैं। इसी बीच उस लड़के की मुलाकात राधा से होती है, जो उसका जीवन सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म में राधा का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री कहाँ है, क्या करती हैं और अब कैसी नजर आती हैं? तो चलिए, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। बने रहें वीडियो के लास्ट तक। सूर्यवंशम फिल्म में राधा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम सौंदर्या है, जिनका जन्म 18 जुलाई 1972 को हुआ था। बात की जाए अभिनेत्री सौंदर्या के अभिनय करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में कन्नड़ फिल्म से की। इन्होंने 12 साल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है, लेकिन इन्हें इनकी असली पहचान तेलुगु फिल्म से मिली। इन्होंने तेलुगु फिल्म के साथ साथ तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन भाषाओं के अलावा इन्होंने हिंदी की सुपरहिट फिल्म सूर्यवंशम में भी काम किया है। इनकी हिंदी फिल्म सूर्यवंशम फिल्म इंडस्ट्री में बेहद कामयाब साबित हुई थी। वहीं बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इन्होंने साल 2003 में जीएस रघु के साथ अपना घर बसाया था, जो कि प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अगर बात करें सौंदर्य के आज के बारे में, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 अप्रैल 2004 को प्लेन क्रैश की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से इन्हें इस दुनिया को बहुत ही कम समय में अलविदा कहना पड़ा। सौंदर्या की मौत के बाद उनके फैंस को बहुत झटका लगा था, जिससे वो बहुत मायूस हो गए थे। तो दोस्तों, आपको सौंदर्या के आज के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।